आप जल संरक्षण के काम है अध्यक्ष जी, हो गया सिराजुद्दीन राजपाल जी। मैडम आपने हमारा खत्म हो गया, नहीं नहीं अभी अभी मैं कहूँगा हो गया अच्छी बात रखी आपने। क्या मैडम, दो मिनट में एक मिनट चला गया। नहीं, आखिरी का एक वाक्य बोल दीजिए, बोलना हो तो बस, बाकी कुछ नहीं, मुद्दा नहीं बोलेंगे। जल संरक्षण के बारे में जो भारत सरकार ने किया है वो अच्छा, मनरेगा के माध्यम से 10 लाख तालाबों का निर्माण भारत में हुआ। आप इस बात को, हम अपने क्षेत्र में एक सूखी हुई नदी मोरवा थी, 67 किलोमीटर का उसने जल संरक्षण के लिए जल प्रवाहित करा दिया। अध्यक्ष जी एक बात, भूमि संरक्षण के बारे में, भूमि के परीक्षण के बहुत सारे मुद्दे बोल गए, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। आपने व्हाट इज इट, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी मत करो, बोलने का मौका दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया। मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। नंबर बोलो क्या है मैडम, एज पर रूल्स 368 if a minister quotes in the house a dispatch or other state paper which has not been presented to the house, the minister shall lay the relevant paper on the table. Hear the speech of the Nirmala Sitharaman ji. She already told in the speech, I would like to show it before you and I have submitted for your consideration. I checked with the tribal office, she didn't lay that paper. She didn't lay that paper. It should be laid as per the rule, Madam Speaker. It should be laid. Sirajuddin Ajmal ji. Badruddin Ajmal madam. जी मैडम, मैडम तीन मिनट का आपने समय दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया, हम इसके पक्ष में बोलना चाह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के, लेकिन बड़े दुख के साथ बोल रहे हैं मैडम कि आज हमने पूरा दिन सुना सबकी तरफ से। देखिए ये ऐसा लगता है जो इलेक्शन से पहले पूरे हिंदुस्तान में अंदर ही अंदर कोई लावा पक रहा है। जो भी वो शक्का प्रश्न है उनको समझना चाहिए कि लोगों में क्या बेचैनी है, क्यों इस तरीके से ये मामला हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं शॉर्ट करके, मुझे मालूम था आप लास्ट में ही मौका देगी, हम लोग तीन है, कम से कम 9 मिनट मिलना चाहिए, आपने 3 मिनट दिया, मैं पढ़ देता हूँ खाली। नंबर वन हमारा इशू था आसाब का, होम मिनिस्टर साहब बैठे जाते, NRC का इशू इस वक्त सबसे गर्म इशू है। नंबर दो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30 लाख बांग्लादेशी लोगों को यहाँ लाना चाहती है, जबकि आसाम में आसामी जबान अभी माइनॉरिटी में आ चुकी है। इसलिए लोगों को बहुत इसके अंदर अंदेश है कि आसाम एक दिन बगदाल हो जाएगा, ऐसा हालात बंद होने दीजिए, बहुत बड़ा गजब हो जाएगा। नंबर तीन डिटेंशन कैंप्स के हालात, भाई साहब के पास पूरे रिपोर्ट है, वहाँ लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं। एक मर्डर भी होता है तो मैडम उसको कम से कम अपील करने का मौका होता है, 10-10, 12-12 साल से लोग जानवरों की तरह कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनके अपील का भी कोई जगह नहीं है। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, कम से कम लोग अपील तो करें, इंसानियत तो उसके अंदर समझ में आए। उसके बाद फ्लड और इरोशन, ये तो हमारा हमेशा का रोना है, इसको हम लोग जो है नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर कराना चाहते हैं। जब से गुज़िश्ता 10 साल से मैं यही कह रहा हूँ और हमारे लोग कहते आ रहे हैं कि आसाम को तबाह और बर्बाद कर दिया तो फ्लड और इरोशन ने, इसलिए इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन सोचा जाए, छोटे मोटे पैसे बर्बाद न किए जाए। उसके बाद है मैडम नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर साहब जब इलेक्शन में गए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। दो ही इंडस्ट्री हमारे पास थे, एक 5 ग्राम में वो पेपर मिल और एक नौगांव में प्रेक्षण, अभी 15-20 दिन पहले उसको बंद करने का ऐलान हो गया। लोग तो दूसरे जगहों में इंडस्ट्री डेवलप होते हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री बंद होते हैं। तो मैडम आपके माध्यम से गुजारिश है इसको जल्द से जल्द खोला जाए, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वैसे ही बेरोजगारी की समस्या हमारा बहुत बड़ा है। उसके बाद मॉब लिंचिंग मैडम, इसको कहते हुए तो शर्म आती है, सारे लोग कल भी कह चुके, आज भी बहुत से दोस्तों ने कहा, लेकिन अगर इस किस्म की चीज़ों को हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बहुत यकीन दिलाया बड़े ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन गिरफ्तारियां तो हो नहीं रही हैं। आजकल मीडिया के अंदर लोग जो है टेलीफोन के अंदर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, सारे चेहरे सामने आ जाते हैं, अगर 2-4 जगह भी कुछ लोगों को सजा हो जाए तो शायद ये सिलसिला बंद हो जाए। तो मेरी यही दरखास्त है कि भाई साहब इसके ऊपर ख्याल करेंगे होम मिनिस्टर साहब जी। इसके बाद हो गया ना क्राइम अगेंस्ट वुमेन, देखिए निर्भया से लेके आज तक छोटी छोटी बच्चियां 2-3 साल के बच्चियों को अब गैंग रेप किया जाता है, अफसोस है तो उनको कोर्टों में देते हैं। मेरा ये सुझाव है, फांसी का भी प्रस्ताव हुआ लेकिन कोई अभी असर नहीं हुआ, कि अगर उनकी तरफ से कोई वकील लड़ने आता है तो उसका सामाजिक बायकॉट होना चाहिए मैडम प्लीज। उसके बाद हमारा आपके मुद्दे ब्लैक मनी, ये मोदी 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 सुनते हुए शर्म आती है, हमारे मोदी जी सामने बैठे हैं जी मैडम। यस